करनाल में दिन दिहाड़े वकीलों के चैम्बर में एक युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। सुबह 9 से 10 बजे के बीच 8 से 10 लोगों का एक गुट युवती को उठाकर ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लड़की उस वक्त बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वकीलों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार युवती ने एक युवक से प्रेम विवाह किया था और आज पुलिस सुरक्षा को लेकर अपने वकील एस के कादियान को मिलने पहुंची थी। माना जा रहा है कि अपहरण करने वाले लड़की के घर वाले ही हो सकते हैं। अगर सच में अपहरण करने वाले लड़की के घर वाले हैं यह तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किन कारणों से लड़की को उठाया गया है। बिल्कुल, सुबह 9:30 के करीब की बात है जब हमें पता लगा। इनिशियल इन्फॉर्मेशन यही थी कि एक लड़की को कुछ लोग यहाँ से उठा के ले गए, तो जो चश्मदीद थे उन्होंने देखा कि बहुत ज़ोर से चीज चिल्लाने की आवाज़ आई और उसके बाद जब तक लोग इकट्ठे हुए तब तक वो उसको मारते हुए यहाँ से ले गए हैं और एक गाड़ी में बिठा के ले गए। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो हमें यही मिली है। क्या मामला लगता है, ये किस तरह का मामला? जो हमें अब पता चल रहा है, कुछ कुछ बातें जो सामने आ रही हैं उससे ये पता लग रहा है कि प्रोटेक्शन का मामला था, कोई शादी का हो सकता है मैटर हो, तो घर वाले सहमत ना हो इसलिए उसको ले गए हों। ये हमें इनिशियल तो हमें यही पता लग रहा है, बाकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसके बाद सारी रिपोर्ट जो सामने आई है। हमारे वकीलों के चैम्बर के अंदर से जो है एक लड़की को जो प्रोटेक्शन के लिए बता रहे हैं आई हुई थी, उसको मारते पीटते हुए यहाँ से लेके जाया गया है। ये तो शुक्र है कि वकील वहाँ उपस्थित नहीं था। अगर वकील वहाँ उपस्थित होता तो शायद उसके साथ भी जो है कोई ना कोई घटना कारित हो सकती थी, उसके साथ भी किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, क्योंकि उनके हौसले बुलंद थे। उनकी हिम्मत देखो कि वो वकीलों के चैम्बर के अंदर से जो लड़की प्रोटेक्शन के लिए बैठी हुई है उसको उठा करके लेके गए। तो ओवरऑल जो है यहाँ सुरक्षा को जो है थोड़ा सा पुख्ता किए जाने की हमारी मांग है, एक जिप्सी की हमारी मांग है। और दूसरा ये कि लड़की जो है वो अभी उस समय, इस हमें हमारा मानना है कि उसकी जान को खतरा है, तो उसको जो है पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द उनको बरामद करें। इसमें एक सफ़ेद रंग की कार जो है वो प्रयोग में लाई गई है इस घटना को अंजाम देने के लिए, और प्लस कुछ लोग जो है मोटरसाइकिलों पे थे, ठीक है। तो इसमें जो है कई लोग इन्वॉल्व हैं, 7-8 की संख्या तो हमने खुद देखी है। कोई आसपास कुछ और लोग और भी होंगे या जो भी इनके मास्टरमाइंड हैं वो सारे जो है वो हमें अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पुलिस इस मामले में जल्द खुलासा करेगी। लड़की जो है यहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं बिल्कुल मैं प्रत्यक्षदर्शी, हाफ प्रत्यक्षदर्शी मैं हूँ। मैं 60-70 कदम की दूरी पे था जब मैंने देखा कि एक लेडी को जिसका मुंह कपड़े से लपेटा हुआ था, जब उसको 4 लोग जबरदस्ती घसीट के लेके जा रहे थे और उसके पीछे पीछे 2-3-4 लोग और भी थे, तो जितनी देर में मैं वहाँ तक पहुँचता तब तक वो उसको दूसरी दिशा में ले जाके और गाड़ी में बिठा चुके थे। मैं भाग के मैंने उनका वीडियो बनाने की भी कोशिश की है। मैं अगर मौके पर पहुँचता तो मैं इस वारदात को कोशिश करता कि वो अंजाम ना दे पाते, लेकिन क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा थे और बड़ी स्पीड पर थे तो पहले तो हमें मामला समझने में ही टाइम लगा। हमें पहले एक दफ़ा तो लगा शायद पुलिस हो सकता है कि किसी मुलजिम को उठा रही हो। एक्चुअल में हमें पहले तो ये लगा कि शायद हो सकता है पुलिस किसी आरोपी को अरेस्ट करने के लिए आई हो। हालांकि आज से पहले जो है पुलिस ने इस तरह से किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ये पुख्ता हो गया, क्योंकि जब मैं भागा, भागने के बाद जब मैंने मामला जानने की कोशिश की तब मैंने देखा कि ये पुलिस नहीं है, ये या तो उसके पेरेंट्स हैं या कोई और लोग हैं जो उस लेडी को ज़बरदस्ती जो उठा कर लेके जा रहे हैं। आयकर भवन के पीछे उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी प्लांट तरीके से, उन्होंने फटाफट गाड़ी के अंदर लेडी को डाला और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की। चिल्लाने की आवाज़ भी लड़की ने यहाँ पूरी कोशिश की है, बिल्डिंग के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, और उसमें जो है मैं आपकी जानकारी में दे दूँ कि इनकी प्रोटेक्शन लगी हुई है। कोर्ट के अंदर जो है लड़के ने और लड़की ने प्रोटेक्शन मांगी हुई है, उसका थोड़ी देर में अभी फैसला हो जाएगा। उनके वकील साहब अपने चैम्बर पे नहीं थे, एडवोकेट एस के कादियान जो हैं वो इनकी पैरवी कर रहे हैं, वो कोर्ट रूम के अंदर थे। कोर्ट रूम के पीछे उनके चैम्बर में जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई हमारे चैम्बरों में आके जो है हमारी निष्ठा भंग करें, हमारे चैम्बरों में आके हमारे क्लाइंट्स के साथ हाथापाई करें। अगर उन्होंने कुछ करना था, पहली बात तो उनको कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। अगर उसके पेरेंट्स भी क्यों नहीं हैं, उसके अगर पेरेंट्स भी हैं तो लड़की को जो है अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है, 18 साल से प्लस की लड़की अपनी मर्जी से किसी भी जाति में, किसी भी मजहब में, किसी भी पंथ में शादी कर सकती है। उनके पास हथियार भी थे? हथियार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके राणा जी, उनके मंसूबों को देखते हुए और उनके हौसले को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पास हथियार नहीं थे। 100% उनके पास हथियार हो सकते थे। जी, जिन दिन दिहाड़े घटना हुई है इसके बारे में आप क्या प्रोटेक्शन की मांग करेंगे? देखिए, मैं पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक परमानेंट जिप्सी जो है वो लगाई जाए, क्योंकि ये अंजाम, ये घटना जो है वकील के साथ भी कारित हो सकती थी। आप एक बात समझें, लड़की चैम्बर में अकेली थी, अगर उस समय कोई और बैठा होता, अगर कोई वकील बैठा होता, तो जिन्होंने ये मन में ठान लिया था कि हमने इस वारदात को अंजाम देना है, तो वकील की भी परवाह नहीं करते। तो हमारी जो मांग यही है कि यहाँ एक जिप्सी जो है उसको दोबारा इस तरह की घटना ना हो, एक जिप्सी परमानेंट यहाँ लगाई जाए और आरोपियों की जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं और लड़की की जान माल की सुरक्षा
की जाए, ये भी हमारी मांग है।